राजा क्या है? पता है कल रात को ना मुझे एक सपना आया था कि मेरी शादी हो गई है और मैं तुम्हारे घर पे सुबह सुबह कॉफी बना रही हूँ और तुम हॉल में बैठे बैठे जोर जोर से चिल्ला रहे हो जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। इसके आगे का सपना मुझे आया था, तुम कॉफी लेके आती हो और मैं फिर भी चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मैं कॉफी के लिए नहीं चिल्ला रहा हूँ, घर के रेंट के लिए चिल्ला रहा हूँ। तुम्हारा पति भाग भाग के आता है और मुझे पैसे देता है, मैं रेंट के पैसे लेके खुशी खुशी अपने बाजू वाले आलीशान बंगले में जाकर अपनी बीवी के साथ कॉफी पीता हूँ। हाय गाइस। हाय। हाय जिया। जिया, आज ध्रुव तुम्हें गिफ्ट देने वाला है। अरे ध्रुव, परसों ही तो तुमने जिया को गिफ्ट दिया था। वो परसों इसलिए क्योंकि परसों के दिन 2 साल पहले जिया ने मुझे पहली बार स्माइल दी थी। So sweet. और आज इसलिए क्योंकि आज ही के दिन 2 साल पहले जिया ने मुझसे बात की थी, वो भी पहली बार। So sweet again. वैसे राजा, क्या तुम्हें याद है बहुत सालों पहले आज ही के दिन मैंने तुम्हारे लिए गाना गाया था, गिफ्ट दो गिफ्ट दो। अबे इतने साल से तुझे झेल रहा हूँ, इससे बड़ा क्या गिफ्ट दूँ। वैसे ध्रुव, आज तुम जिया के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? मैं जिया के लिए ये पेन लेकर आया हूँ एज अ गिफ्ट। ध्रुव, मेरा पेन खराब हो गया है, क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूँ? थैंक यू सो मच, मुझे पता है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। मैम, ये पेन मुझे दे दो। सॉरी जिया, ये पेन तो ऑलरेडी ध्रुव मुझे दे चुका है। देखो, इस पेन के बजाय तुम्हें जो भी और जितने भी पेन चाहिए मैं ला कर दूंगी। मुझे ये पेन ले लो। मुझे भी यही पेन चाहिए। ऑल राइट, बाय बाय। ध्रुव, क्या तुमने मेरा गिफ्ट मैम को दे दिया? तुम्हें पता है तुम्हारे गिफ्ट मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। रिलैक्स जिया, वो तो नकली गिफ्ट था, असली गिफ्ट तुम्हारा ये रहा। थैंक यू ध्रुव। पता है मेरी तुम्हारी सारी गिफ्ट ना एक जगह जमा करके रखे, मैं उनमें से एक को भी नहीं खोना चाहती, लेकिन ये पैम है ना। अरे क्या है ना जिया, उस दिन जब ध्रुव तुम्हें गिफ्ट दे रहा था ना, तो मैंने पैम की शक्ल देखी, ऐसी जली हुई लग रही थी, मुझे पता था ऐसा कुछ करेगी, तो मैंने ध्रुव को कहा कि पहले नकली गिफ्ट देना, बाद में असली गिफ्ट देना। और वो जो पैम था वो मीता का था, बगैर रिफिल का। अच्छा अब गाइस, मैं चलती हूँ। कहाँ? घर। ये गिफ्ट जाकर संभाल के रखना ना, वरना कोई और मुझसे छीन लेगा। ओके बाय। अरे जिया, जिया इतनी जल्दी? अभी तो आई थी। गुड मॉर्निंग जिया। जिया गुड मॉर्निंग। देखिए ना, ध्रुव की सारी दी हुई गिफ्ट यहाँ से गायब है। क्या? देखने दे। अरे आप कैसे देखेंगे, गिफ्ट तो गायब है। देख रही हूँ ना कि गायब है। नानी, पता है कल रात को मैंने खुद सारी गिफ्ट गिनकर कबर्ड लॉक कर फिर मैं सोई थी, पता नहीं कौन मेरी गिफ्ट चुरा कर ले गया। मुझे तो पहले से ही डाउट था कि कोई मेरी गिफ्ट को मुझसे दूर ले जाना चाहता है। लेकिन बेटा, कबर्ड तो लॉक था ना। हाँ, क्या पता शायद वो कबर्ड खोल कर मेरी गिफ्ट ले गया हो। इसका मतलब है नानी कि चोर मुझे, मेरी कबर्ड को और चाबी छिपाने वाली जगह को अच्छी तरह से जानता है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी गिफ्ट ला देती हूँ। नानी, इसका मतलब आपने मेरी गिफ्ट चुराई है? जी हाँ, मैं जादू से गिफ्ट लाने की बात कर रही थी और तू मुझे पे शक कर रही है। सॉरी नानी, वो क्या है ना, इस सब कन्फ्यूजन में घबरा कर टेंशन में आकर पता नहीं मैं आपसे क्या क्या कह गई। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। ऐसे सेट किया है जैसे पैक करके अपनी कंट्री से बाहर ले जाने वाला हो। नानी, हाँ, ये चोर हो कौन सकता है? भाई जो भी है, हमारे रोज़ के मिलने जुलने वालों में से कोई होगा, मतलब कि हमें सब पर शक करना होगा। हो सकता है कि पैम हो, या फिर शांति, हाँ, या फिर राजा मीता, और या फिर सूरज और जय। हाँ, तू ही तो कह रही थी कि चोर वही हो सकता है जो तुझे, तेरे कबर्ड को और चाबी छुपाने वाली जगह को अच्छी तरह जानता हो। हाँ नानी, ऐसा कीजिए ना, आप जादू से चोर को यहाँ लाकर पकड़ लीजिए। उससे क्या होगा बेटा, उसे तो हमें पता चल जाएगा भाई चोर ये है, लेकिन लोगों क्या बताएंगे, फिर पुलिस तो सबूत मांगती है। हमें ना उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि हम तुम्हारे गिफ्ट्स का एक एग्जीबिशन लगाते हैं, चोर अपनी चुराई हुई चीज़ों को वहाँ देखकर हक्का बक्का रह जाएगा और दोबारा चुराने की कोशिश भी करेगा, तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे।
ये वो गिफ्ट्स हैं जो ध्रुव ने जिया को दिए हैं। और हम आपको ये गिफ्ट्स इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल रात को हमारे घर पे चोरी हुई थी। यस, लेकिन जो चीजें चोरी हुई थी वो तो डुप्लीकेट थी, ये ओरिजिनल गिफ्ट्स हैं। चोर बहुत चालाक है, हैरानी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं भी कहाँ छोड़ने वाली हूँ, देख मेरी अगली चाल। पकड़ने के लिए लगाया है ताकि कोई इसे हाथ लगाए तो हमें पता चल जाए, यू नो। हाय नानी, कितने सोने सोने गिफ्ट है, कितने सोने सोने गिफ्ट है, तो किसी की भी नियत खराब हो जाएगी ना कुछ चोरी करने के लिए। चोर धीरे धीरे हमारे शिकंजे में आ रही है। वैसे आप लोगों से कहना है कि आप लोगों ने अगर ये एक चीज है, इनमें से कोई चीज किसी और के पास देखी हो तो हमें जरूर बताएं। इनाम के तौर पर इन्हीं में से एक चीज आपको दी जाएगी। अरे ये क्या, मैं तो सारे मान लूंगी। I love them all। मैं ये सोच रहा हूँ कि ध्रुव मुझे ऐसे गिफ्ट क्यों नहीं देता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये कलेक्शन गिफ्ट्स का मेरे पास क्यों नहीं है। दीदी आप एक काम कीजिए, आप ये सारे गिफ्ट मुझे दे दीजिए, मैं दिन रात इनकी सुरक्षा करूंगा। पापा को छोड़ बाकी सब तो गिफ्ट में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि असली चोर कौन है? ये क्या था सूरज? ये बोतल टेढ़ी रखी थी तो मैं इसे ठीक कर रहा था बस। वैसे जिया बेटे, सबको बताना मत कि अलार्म सिर्फ दिन में बजता है रात में नहीं, वरना चोर तो फिर इस बात का फायदा उठा लेगा, है कि नहीं? और आप सबकी क्या राय है, हमें ये गिफ्ट्स जिया के रूम में रख देने चाहिए? हाँ। तो तय हुआ कि ये गिफ्ट्स जिया के बेडरूम में रहेंगे। ओके। परफेक्ट। और अब मिशन गिफ्ट चोर। जिया तुम उस तरफ देखो, खिड़की से कोई आ तो नहीं रहा, मैं यहाँ देखती हूँ। ये चोर सूरज के रूम से कैसे निकला? पापा? चोर तो पापा है। हाय हाय हाय, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सूरज ऐसा होगा। नानी मैं तो अभी नहीं सोच पा रही हूँ कि पापा ऐसे हैं। बेटा सच तो कड़वा ही होता है ना, लेकिन एक बात अब सारे राज समझ में आ गए मेरे। कैसे राज? राधा और सूरज की शादी में 3 कटोरियाँ, 5 चमचे और 11 साबुन चोरी हो गए थे, और ये सारी की सारी चोरी सूरज ने। छी 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 छी। नानी मैं पापा से इसी वक्त बात करना चाहती हूँ। चलिए बेटा, बात करने को बचा ही क्या है, उसे बाहर आने दो, रंगे हाथ पकड़ेंगे। क्या? हाँ आप पूछेंगे तो कहेगा मैं ये देखने गया था कि जिया कंबल ओढ़े सो रही है या नहीं। ये जो चोर टाइप लोग होते हैं ना, बड़े अच्छे एक्टर होते हैं। नानी पापा तो खाली हाथ आ रहे। हाय खाली हाथ। ही इज ओवर स्मार्ट, छुपा कर ले गया होगा। चल पीछा करते हैं और इससे रंगे हाथों पकड़ते हैं चोरी के सामान के साथ इसी के अंडे पर। कम ऑन। नानी देखिए पापा चोर नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये मैंने जिया के रूम में फ्रिज की चाबी देख ली थी तो मुझसे रहा नहीं गया केक। पापा ये क्या है, आप डाइटिंग कर रहे हैं इसलिए हम फ्रिज को लॉक करके चाबी अपने पास रखते हैं, और आप है कि चोरी छुपे केक खा रहे हैं। और हम सोच रहे थे कि जिया की गिफ्ट चुराने वाले चोर तुम ही हो। व्हाट? ऐसा लग रहा था कि मैं चोर हूँ। ऑफ कोर्स ये भी तो चोरी है, लेकिन अच्छा माना नानी कि पापा वो वाले चोर नहीं है। यस, तुम्हारे पापा वो वाले चोर नहीं है, लेकिन ये वाले चोर तो है केक चोर। कैसा है? कनेला जैसा टेस्ट है, थोड़ा कड़वा है लेकिन तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। हाँ
यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर आवाज कहाँ से आई थी? नानी भला जय मेरी किसके चुराएगा? अगर वो मुझसे मांग लेता मैं तो खुशी खुशी अपने सारे किस्सों से दे देती। मेरा बेटा ऐसा करेगा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और राधा खुश होती थी कि मेरा बेटा जय सूरज पर ही जाएगा, सूरज की तरह डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर तो दूर की बात, सूरज की तरह चोर जरूर बन गया, गिफ्ट चोर। हाँ, मैं गिफ्ट चोर नहीं हूँ, केक चोर हूँ। चोर चोर होता है, चाहे वो केक चोर हो या गिफ्ट चोर हो। सॉरी पापा, मैंने आपको चोर कहा। नो नीड, इनको सॉरी वॉरी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन बच्चे तुम ये बताओ, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नानी मैंने हॉल में से कुछ आवाजें सुनी तो मैं यही देखने चला आया कि कोई जिया दीदी की गिफ्ट चोरी तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं, यहाँ कोई चोर वोर नहीं आया, मेरा मतलब गिफ्ट चोर नहीं आया यहाँ पर। तुम जाओ जाके सो जाओ, मैं इनकी मदद करूंगा चोर को पकड़ने में। डैडी आप सो जाए, मैं इनकी मदद करूंगा चोर ढूंढने में। मैंने कहा ना कि तुम जाओ जाके सो जाओ। पापा प्लीज आप जाके सो जाइए। ये दोनों इस तरह चिल्लाएंगे तो चोर तो बाहर से ही भाग जाएगा ना। प्लीज जस्ट गो। हां ये दोनों गहरी नींद सो गए। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, चल कहीं छुप जाते हैं। ओके थ्रू चाले। अगर मैं उस चोर को पकड़ लूं जो तुम्हारे सारे गिफ्ट चुराता है तो तुम तो मुझसे इंप्रेस हो जाओगे ना। एंड व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे सारे गिफ्ट सेव जो कर रही हूँ। और एक वो है जिया, जो तुम्हारा एक भी गिफ्ट संभाल के नहीं रख पाती। सूरज जी मैं आ गई हूँ। सूरज जी अब देखना चोर तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन चोर पकड़े जाने की ना आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको मेरे साथ सिनेमा देखने जाना पड़ेगा। भगवान करे आपके घर में रोज चोरी होती रहे और मैं रोज चोर पकड़ने आती रहूं और आप रोज कीमत चुकाते रहे मेरे साथ सिनेमा देखकर। जल्दी से चुप जाओ, ओके आने वाला होगा। नानी रहने दो, देखो बेचारी हम दोनों की मदद करने आई है, आप प्लीज इन्हें रॉकेट बना के मत उड़ा देना। हाँ नहीं नहीं, ये तो बहुत भले लोग हैं, मैं इन्हें डायरेक्ट रॉकेट बनाकर हरगिज नहीं उड़ाऊंगी। हाँ देखा जिया, ये हमारी मदद करने के लिए नहीं आई थी, ये अपनी मतलब से आई थी। नानी ये सब छोड़ो ना, देखो एक एक करके सब इनोसेंट प्रूव हो रहे हैं, अब आखिर ये चोर है कौन? जिया टेंशन मत ले, चोर आके रहेगा मेरे हाथ, अभी तो बाकी है सारी आधी रात। मैं अपनी सारी गिफ्ट्स स्टोर रूम में रख दूंगी ताकि उन्हें कोई ना चुरा सके। गिफ्ट्स फॉलो मी। रुक, मैं सारी गिफ्ट्स स्टोर रूम में रख दूंगी ताकि उन्हें कोई चुरा ना सके। मैं सारी गिफ्ट्स स्टोर रूम में रख देती हूँ ताकि उन्हें कोई चुरा ना सके। मैं सारी गिफ्ट छुपा कर रख देती हूँ वरना कोई उन्हें चुरा लेगा। तो इसका मतलब जिया खुद नींद में अपनी चीजें चुरा कर यहाँ लाकर छुपाती है और फिर सोचती है कि चोरी हो गई। क्या? चोर पकड़ा गया? Yes, आखिर मैंने चोर को पकड़ ही लिया। नानी प्लीज जल्दी बताओ ना चोर कौन है। सासुमा सासुमा सस्पेंस खोल दो, भी बता ही दो कौन है चोर। हाँ नानी प्लीज बताओ ना कौन है चोर। ओके जिया। क्या
नानी, what are you talking? नानी is certainly not joking. तू ही तो है चोर. नानी, आपका मतलब कि मैं खुद अपने gifts? Yes, तू ही चोर है. तू ही अपने gifts खुद ही चुरा रही थी. वो कैसे? नींद में बेटा. और हम न जाने किस किस को चोर बना रहे थे कल. अब समझ में आया. यानी कि मैं ध्रुव के गिफ्ट्स को लेकर इतनी पजेसिव हो गई थी कि उनके चोरी होने के डर से खुद नींद में उठकर उन्हें छुपा रही थी. यस. लेकिन अब जय, सूरज, एक बात का ध्यान रहे कि ये बात किसी बाहर वाले को पता नहीं चलनी चाहिए. घर की बात घर में ही रहनी चाहिए. बिल्कुल. राज को हम राजी रहने देंगे, लेकिन एक शर्त है. वो क्या? वो ये कि आप किसी बाहर वाले को नहीं बताएंगे कि रात को उठ के मैं रसगुल्ले चुराता. पापा, रसगुल्ले नहीं, केक. केक तो मैंने कल रात को चुराया था. रसगुल्ले मैं आज रात को चुराऊंगा. बोलो, किसी को बताओगे नहीं ना? नहीं.